बुद्धम शरणम गच्छामि। आइए आज हम लोग बुद्ध के शरण में चलते हुए आज हम लोग हलासन का अभ्यास करेंगे, जो नौजवानों के लिए बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है, जिसमें सबसे पहले तो हम लोग पीठ के बल लेटते हैं। आइए अब हम लोग अभ्यास करके और फिर देखते हैं। ऐसे सीधा हम लोग दायां या बायां करवट लेके पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे कमर के बगल में ही रख लेंगे। दोनों पैरों को एक साथ, श्वास अंदर जाएगा तो 90 डिग्री तक पैर उठेगा, ध्यान देंगे, श्वास अंदर रहेगा तो पैर 90 डिग्री तक उठेगा। ऐसे श्वास अंदर भरे तो पैर यूं 90 डिग्री तक आया। अब श्वास बाहर छोड़ेंगे और पैर को धीरे धीरे ऐसे मोड़ते हुए सर के पीछे से ले जाके पैर के पंजे को ऐसे टच करते हैं जमीन। अब फिर श्वास अंदर भरते हुए 90 डिग्री आया और फिर अब श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे गया। ये पूर्ण हलासन है, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। कभी सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस का रोग, फेफड़े का रोग, उदर से संबंधित रोग कभी नहीं होता है। हमेशा हमें नौजवान व नवयुवती व नवयुवक भाइयों को यौवन अवस्था प्रदान करता है। आइए एक बार और करते हैं, श्वास अंदर भरे तो पैर 90 डिग्री गया, 90 अंश का कोण बनाते हुए, फिर श्वास छोड़े तो पैर धीरे धीरे जमीन पे चला गया। ऐसे कुछ देर रुकने के बाद से पुनः वही क्रिया दोहराते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये है पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन हमारे संपूर्ण शरीर में, हमारे संपूर्ण शरीर को लचीलापन प्रदान करता है, हमारे संपूर्ण शरीर को रिलैक्सेशन महसूस कराता है। बहुत अच्छा अभ्यास है ये नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, नवयुवक भाइयों के लिए। आइए लंबा गहरा श्वास अंदर भर के एक बार छोड़ देते हैं। नमस्कार, आज हम लोग शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जो हमारे पूरे डायफ्राम को शीतल करते हुए, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन बनाते हुए हमारे पूरे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। तो शीतली प्राणायाम गर्मी से बचने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये हमारे अंदर रिजर्व एक प्रकार से जो शीतलता रहती है उसकी अनुभूत कराती है। तो ऐसे जीभ को बाहर निकालेंगे, फिर इसको गोल कर लेंगे पाइप नुमा बना के, और इसी गोल पाइप नुमा के माध्यम से श्वास अंदर भर के और कुछ देर तक जल अंदर बंद लगाना है, कुछ देर तक सांस को अंदर होल्ड करना है। जीवा बाहर निकाले, फिर दाहिने नासिका दबा के बाएं से श्वास छोड़ देते हैं। एक बार और करेंगे ये शीतली प्राणायाम, जिह्वा को निकाल के बाहर गोल पाइप नुमा बनाएंगे, उसी के माध्यम से श्वास अंदर भरते हैं, शीतली के पास से शीतकारी भी करते हैं, दांत को ऐसे दबा के दांत के माध्यम से श्वास अंदर खींचते हैं ऐसे। एक बार और, ये शीतली प्राणायाम जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, वो लोग आराम से कर सकते हैं। बस उनको कुंभक नहीं लगाना है, सांस के रोकने वाली प्रक्रिया नहीं करना है। बाकी ये बीपी के लिए, संपूर्ण शरीर में शीतलता के लिए, आरोग्य के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है शीतली व शीतकारी। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन। धन्यवाद।